हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बॉक्सर्स ईयर। इसे हम पिना ऑरिकुलर हिमाटोमा भी कहते हैं। ईयर पिना हमारा येलो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है, बट इस कार्टिलेज को कोई भी ब्लड सप्लाई डायरेक्टली नहीं किया जाता। इसके ऊपर के स्किन के थ्रू इसे ब्लड सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। अब किसी तरह से ब्लंट ट्रॉमा होने पर, ब्लंट ट्रॉमा यानी जिसका स्किन टियर नहीं होता बट अंदर के जो कैपिलरीज है वो बर्स्ट होने की वजह से वहाँ ब्लड कलेक्ट होता है। इस ब्लड कलेक्शन को हम हीमाटोमा भी बोल सकते हैं। ये कलेक्टेड ब्लड जो है वो स्किन एंड कार्टिलेज के बीच में सेटल हो जाता है। अब जो कार्टिलेज था उसे डायरेक्टली स्किन के थ्रू नरिशमेंट नहीं मिलने के कारण उसका नरिशमेंट हैम्पर हो जाता है, धीरे धीरे उसमें नेक्रोसिस दिखने लग जाता है। नेक्रोसिस के वजह से उसमें जो अपियरेंस होता है उसे हम कॉलीफ्लावर अपियरेंस कहते हैं। ये नेक्रोसिस जो होता है ये इरिवर्सिबल है। ये कॉमनली हमें रेस्लर्स, बॉक्सर्स, मार्शल आर्टिस्ट में दिखते हैं, इसलिए हम इसे बॉक्सर्स ईयर या फिर रेस्लर्स ईयर भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके कंप्लेंट्स में। सबसे पहला कंप्लेंट हमें दिखेगा इसमें पेन, देन ब्रूजिंग दिखता है, स्वेलिंग दिखता है एंड वो पीना के अंदर डिफॉर्मिटी दिखती है जो हमने देखा था कॉलीफ्लावर अपियरेंस वाला। ट्रीटमेंट में हम इमीडिएट ड्रेनेज करते हैं, अगर डिपेंड करता है कौन से टाइप के एक्यूमुलेशन है। अगर स्मॉल एक्यूमुलेशन होगा तो लार्ज बोर नीडल से हम करेंगे, और अगर लार्ज एक्यूमुलेशन रहेगा तो हम इंसिजन करके उसका ड्रेनेज करते हैं। ड्रेनेज के बाद जो भी हम ब्लड निकालते हैं उसके बाद फिर से स्किन और कार्टिलेज के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो रीएस्टैब्लिश हो जाता है। पोस्ट ड्रेनेज एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेसिव बैंडेजेस पेशेंट को अप्लाई किया जाता है। प्रोग्नोसिस गुड रहेगा अगर अर्ली स्टेज में हम ड्रेन करेंगे। रिकरेंस तो कॉमन है बट 2 वीक्स में यूजुअली रिजॉल्व हो जाता है, बट अगर डिले किया डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में तो ये परमानेंट डिफॉर्मिटी जो है वो बढ़कर प्लास्टिक सर्जरी रिपेयर करना पड़ सकता है।